सुबह की शुरुआत ब्रेकफास्ट के साथ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आप सब कैसे होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो अभी नहा धोकर मस्त रेडी हो चुके हैं, बढ़िया सा नाश्ता भी कर लिया है। सो अभी हम जा रहे हैं लंदन आए, और बिग बैन लंदन और भी कई जगह जा रहे हैं। और बने रहिए आप मेरे चैनल पे। सो लगातार वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नए नए अपडेट्स मिल सकें। सो गाइज, हम अभी निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सो मिलते हैं वहाँ जाके। सो गाइज, अभी हम टॉटनहैम स्टेशन पहुँच गए हैं, और ऊपर जाके शायद ट्रेन चेंज करनी है। अभी हमने ट्रेन चेंज की है और पहुंच गए हैं चेस्टर स्क्वायर। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, और बाहर जाके आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। सो बने रहिए इस चैनल में। सो गाइस, अभी हम बाहर आए हैं ली चेस्टर स्क्वायर स्टेशन के बाहर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है और काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत ही बेहतरीन। मैं आ चुका हूँ अभी चाइना टाउन वॉक करके। सो पहले कुछ खाने लगे हैं क्योंकि भूख लग गई है, और काफ़ी अमेजिंग स्ट्रीट है ये सारी, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये आप चेक करें, चाइना टाउन। सो गाइस, अभी हमें ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट अच्छा कोई दिख रहा था, और हम अंदर जा रहे हैं। भूख लग गई थी, कुछ खाने जा रहे हैं, तो देखते हैं अंदर चल के। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में, और ये रहा इसका मेन्यू, और बढ़िया सा कुछ ऑर्डर करते हैं और आपको भी दिखा दो मैंने क्या ऑर्डर किया है। सो गाइज, हमारा खाना आ चुका है, डक विद राइस, कंपाउ चिकन, करी चिकन। तो खा कर मिलते हैं आपसे। सो अभी मस्त वाला हमने खाना खा लिया है, और ये चाइना टाउन है, और ऐसा लग रहा है यहाँ पर आके कि हम लंदन ही, चाइना टाउन ही, चाइना ही आए हुए हैं घूमने फिरने। सो गाइज, अभी हम आए थे ट्रफलगार स्क्वायर। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ये सारा अभी बंद पड़ा है। अब हम यहाँ से शायद जा रहे हैं वेस्टमिंस्टर। तो गाइज, अभी हम चैरिंग क्रॉस सबवे स्टेशन में और ट्रेन पकड़ रहे हैं। हेलो गाइज, अब हम आ चुके हैं वेस्टमिंस्टर क्रॉस। सो हाय गाइस, अभी हम आ गए हैं वेस्टमिंस्टर, और ये देखो यहाँ का क्लॉक, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट वो रहा लंदन आई। ये रहा आरव, एंजॉय कर रहे फुल। आरव, मज़े आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना बाहर आके? दिल्ली में तो मन ही सड़ गया था, बहुत गर्मी थी दिल्ली में। ये तीनों बच्चे मायरा, आरव, बानी व्यू के साथ एंजॉय कर रहे हैं अपना, वो देखो बाय बाय कर रहे हैं उन्हें शिप वालों को। तो ये मेरे सामने गिफ्ट शॉप बनी हुई है। सो यहाँ पे लोग अपने क्लोथिंग, हुडी वगैरह खरीदने, गिफ्ट खरीदने घर के लिए। और ये सामने बिग बैन लंदन है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही पुरानी ये बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। और ये आरव सिंह मज़े लेता हुआ। हेलो आरव, कैसे लग रहा है आपको? आ रहे हैं मज़े? यहाँ की जो ट्रेन्स है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं लगता कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। सो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं हाइड पार्क कॉर्नर स्टेशन आ चुका है, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या बना हुआ है। और ये आरव मायरा अपना सामान खरीद रहे हैं दोबारा से, ये हमेशा तंग करते रहते हैं, जहाँ मर्जी इन्हें ले जाओ, इन्होंने शॉप के अंदर जाना ही जाना, अपना सामान लेना ही लेना है। सो गाइज, अभी हम बकिंघम पैलेस आए हैं, और चलते हैं आपको भी दिखाते हैं बाहर जाके कैसा व्यू है, क्या बना हुआ है बाहर। एक्चुअली यहाँ पे सबवे का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी सारी ट्रेन्स हैं, और हम इधर उधर घूम घुमा के
अपना पीछे हम घूम के आए, हम यहाँ आ गए हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये है बाहर निकलते सार यहाँ का व्यू, और अभी हमने आगे जाना है, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कुछ बढ़िया सा। सो गाइस, ये आप फोर पिलर्स देख रहे हैं मेरे सामने। तो यहाँ का जो किंग था, जिन्होंने सारी कंट्रीज पे राज किया हुआ था, ये सारी कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश लिखा हुआ, पीछे नेपाल, अफ्रीका, कैरेबियन, और वहाँ पे भी ये सारी कंट्रीज़ का नाम लिखा हुआ है। सो गाइस, हम वहाँ से वॉक करते हुए अभी इस रोड पर जा रहे हैं बकिंघम पैलेस देखने, जो यहाँ के प्रिंस का घर है। और यही रोड है, सारी परेड निकलती है, और इसके अराउंड ये ब्यूटीफुल सा एक पार्क बना हुआ है, और बच्चे खेल भी रहे हैं वहाँ पे सामने, और काफ़ी सारी ग्रीनरी है पूरे लंदन में। सो गाइस, आप मेरे सामने ये जो घर देख रहे हैं, दुनिया का सबसे महंगा घर है, जिसे ड्यूक ऑफ बकिंघम ने साल 1703 में अपने रहने के लिए बनाया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके अंदर 775 रूम्स हैं। और इस घर में जो पहली क्वीन रहने आई थी, उनका नाम था विक्टोरिया क्वीन। ये गाइस, ट्री देखो यहाँ पे कितने नीचे तक आए हुए हैं। यहाँ पे गुफा बनी हुई है अंदर, गुफा बना हुआ है कह रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मजे करते बच्चे। चलो चले। सो गाइस, अभी हम आ गए अपने स्टेशन गुड मेज, और अभी जा रहे हैं घर की तरफ, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।